तो ये गांव की शाम अभी शाम ही हुई, रात तो हुई नहीं, क्योंकि अभी बजे है 6:30 और अंधेरा हो चुका है और हवा चल रही है आज ठंडी ठंडी बहुत ज्यादा, ठंड भी काफी है। और यहाँ देखो कितना सारा आटा बना आज, आज दोबारा आटा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और खिचड़ी नहीं बनी ना तो इसलिए आटा बना। हाँ क्योंकि तो रोटियां ही खाएंगे सब छक छक के, क्योंकि थोड़ी सी खिचड़ी खा लेते, थोड़ी सी रोटी। और ये आटे में कुछ मिला रखा आपने? सब्जी मिला रखी, जो सब्जी दिन में किसी ने सूंगी नहीं तो वो आटे में मिला दी। सूंगी क्यों नहीं, खाई भी मैंने तो दही खिचड़ी पी ली ना आज। हाँ आज खिचड़ी थी सुबह, काली दाल की खिचड़ी बनाया ना हमारे यहाँ, तो दही खिचड़ी बजा रखी थी पूरी। और अभी शुरू के पराठे आरू सारू सी और नंदू के लिए, और चिंकी और मैं और माही भी खाई लेंगे जब बन रहे तो। और ठंड आज बहुत ज्यादा है, और कल की तो और भी ज्यादा ठंड बता रखी है कि 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर गिर जाएगा। इसलिए ना चूल्हे पे ही फायदेमंद रहे, क्योंकि आँच भी लगती रहे, लेकिन आज हवा चल रही है उसकी वजह से ना आग भी देखो कैसे हो रही है, गर्मी लगी रही जाए मैं भी। हाँ रात पसीने आ गए थे, और बल्कि रात भी हवा चल रही थी। हाँ और रात में भी हवा चल रही थी, मैं 1:30 बजे उठी थी, मेरी आंख खुली, मैंने देखा बाहर तो हवा चल रही है। पहले तो मैं बिना जैकेट के ही आ गई बाहर, फिर जैकेट पहन के आनी पड़ी, और अंदर लग रही थी गर्मी, पसीने आ रहे थे, रात रजाई और कंबल में भी, और आज इतनी ठंडी हवा है कि कब बैठे भी नहीं जा रहा बाहर तो। लेकिन चूल्हा ये इसलिए फायदेमंद है क्योंकि यहाँ 2-3 लोग बैठ जाए और वह सेक भी सकते हैं, और गैस पे ऐसा बिल्कुल नहीं होता। 7:30 बज गए और खाना मैंने बना लिया और सबने खा भी लिया, सब लोग अपने बिस्तरे में चले गए। फिलहाल मैं और माँ है बाहर, तो अभी सारे बर्तन चौंकी पे इकट्ठे कर लिए, और जब सब्जी डाल के रोटी बनाते हैं तो बच्चे भी पेट भर के खाते हैं। जिसके बच्चे रोटी नहीं खाते ना, वो एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा। अब यहाँ पे ये जो प्लेन सी फैली हुई थी ना, अभी से सारे को संगवा देंगे। और देखो इधर से भी सारा सुनसान हो गया, क्योंकि गांव में ना सब लोग जल्दी सो जाते हैं खाना खा के, और हम लोगों का थोड़ा हर लेट भेजी रूटीन चलता है। यहाँ पे माँ कर रही है चाचा जी के लिए दूध मीठा, गर्म तो कर लिया था हमने लेकिन वो ठंडा हो गया, रोटी पोते पोते मुझे 1.5 घंटा हो गया ना आज। माँ ये देखो अभी इसमें चीनी घोलने का नया तरीका ढूंढ लिया, माँ ने शक्कर डाल देते इस तरह बढ़िया, तो कम गैस कर रखी। शक्कर का नहीं पीते मुझे नहीं पता। और मैंने सुबह की तैयारी कर दी है, कल है संडे, तो यहाँ पर राजमा भिगो दिया है गर्म पानी में, और इसमें थोड़ा सा डाल दिया है नमक। अब इसको यहाँ पर रख देते हैं और ढक देते हैं, सुबह तक ये फूल जाएगा। सुबह माँ क्या क्या प्रोग्राम है सुबह की? सुबह वाला जाना का तो बताओ का सुबह वाला। हाँ। सुबह की तो अगर मैं सोच रही मका जी इसका खीर नहीं बना, इसका नाज ही लगा देना फिर। हाँ, कल को खीर बना देंगे, फिर जब कच्चा चावल गिर लो चाहे। हाँ। ये परंपरा है हमारे यहाँ पे, नाज लगने के बाद में ना दूध में फिर बच्चे चाय वगैरह भी पी सके, उसे दूध को पी सके। हाँ। और हम जब चंदन लग जाएगा फिर सारे को दिए बत्ती लगाए होंगे, बस लड़कियां जिमा देंगे। तो अब तक हमने पहले भैंस की भी कन्याएं जिमाने का मुहूर्त लिखा नहीं, क्योंकि घर में बीमारी के कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यू चल ही रहे इस वजह से। तो अब की बार दोनों की खट्टी करके जिमाएंगे और काले सिंह पे भी जाएंगे। ये देखो रात के समय ठंड हो जाती है बहुत ज्यादा, अभी माँ देने के लिए गई दूध। चलो जी ये भी सब यहाँ से संगवा देते हैं। और गुड्डू अपनी पढ़ाई कर रही है, ये सारे बच्चे दिन में परेशान करते रहे उसे गुड्डू को, ये देखो। और इसने अपने कमरे के दरवाजे बंद कर रखे, जब तक हम लोग एडिटिंग करके आएंगे दोनों तब तक ये यही बैठ कर पढ़ाई करेगी। मुझे घर में कुछ लोग ऐसे कहे कि तू रात पे क्यों पढ़े माँ, कह रहे कि दिन में क्यों नहीं पढ़ती, मगर दिन की कचड़ कचड़ में कुछ याद ही नहीं होता। वो तो मेरे साथ बैठने लगे तो मुझे नहीं पढ़ने देने की। अच्छा, वो कुछ पूछा है, कुछ मतलब अजीब अजीब से सवाल पूछा है वो। बता अगर उसके अजीब और गरीब सारे जवाब देकर, और फिर अगर मैं नहीं बोलती मगर रुक जा बता रही, फिर चिल्ला के पड़ा, फिर मुझे भी गुस्सा आ जा। अच्छा। लड़ाई बच जा। पिताजी सो गया क्या? यू नहीं सोया नहीं, ये तो मुंदाहा पड़ा, क्या कर रहा? यो तो फोन के चक्कर है। ला भाई फोन दे दे मुझे, समय हो गया 8:30 का। और ये मेरा ही है बेटा, दूध पी के सो। देखूं मत्था के साहिब जा। ये लो आपकी चाय आ गई है। चाय चाय है ये 8:30 बजे की, बल्कि 4 मिनट अभी बाकी हैं। मम्मी को बोला था, मम्मी मुझे बोल के आई थी पूरे
8:30 बजे चाय बुझा देना, मैं 8:30 से पहले आ गई। देखो पहले आ गए 4 मिनट। और देखो कप बिल्कुल सेम सेम है अब की बार हमारे। एक कप लाए थे हम कल और दो और हैं, कभी समझ रहे हो दो ही लाए, 4 लाए थे पूरे। और चाय इसमें है बहुत बढ़िया क्वांटिटी में, गर्मा गर्म सर्दी के मौसम में, अदरक वाली चाय पी लो जी। हाँ जी अजी मैं का पी लगते चाय। थैंक यू गुड्डू, थैंक यू। जितना भी हमारे बर्तनों में कुछ भी एक दो दाना बच जाता है, सबको ये कंटो खा लेती है, यानी कि गिलहरी। ये देखिए, और एक टाइम था ऐसा एक गिलहरी मैंने पाली थी इस तरीके से ही, लेकिन ये लोग अपनी पूर्ति यहीं से करते रहते हैं। कई सारी आई हैं, साइड की दीवार में रहती है, और ये देखिए अपना पेट यहीं से भर लेते हैं जो बर्तनों में लगा रहता है, और कितने प्यार से। लेकिन इसे डर बहुत लग रहा है, क्योंकि आसपास से जैसे ही कोई गुजरता है ना बच्चा भी, तो ये बहुत ज़्यादा डर रही है, तो बार बार पेड़ पर चढ़ जाती है कनियर के, या फिर उधर दीवार में पहुँच जाती है। ये देखिए कितनी तेज़ी से, कितनी दूर, एक पल भर की सेकंड में पहुँच जाती है ये, क्योंकि ये अपनी सेफ्टी जानती है ना, जो भी आसपास से गुजरता है। लाइफ जा, अम्मी दे रही है तुझे कुछ ले जा, अब तो देखने का भी नहीं, मैं कोई कदी कोई कपड़े ये रखा होंगे तिंगे ले जाके। तो फ्रेंड्स आज बहुत देर हो गई है ये सूखे हुए कपड़े ले जाने में, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड आई थी मायके वाले गांव से, और वो मुझे काफ़ी दिन से देख रही थी, दूसरी बार हम मिल चुके हैं, और जी काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिलकर। तो ये सूखे हुए कपड़े लेकर चलते हैं। अभी मैंने देखा आसपास में बहुत सारे बंदर घूम रहे हैं, और ये देखो ये डंडी वाले को भी लेकर आना पड़ा मुझे अपने साथ में, जो कैमरे के पीछे है इस टाइम। तो फटाफट से उतारते हैं इन कपड़ों को, और आज मैंने आधे कपड़े वॉश किए थे, आधे कल करूँगी, बहुत सारे हो जाते हैं ना सर्दी में, फिर संगवाने में भी दिक्कत, और ऊपर तक पहुंचाने में भी, क्योंकि आज मैं खुद ही लेकर आई थी और मैंने किसी को भी परेशान नहीं किया कपड़ों के मामले में। यो मेरे हाथ में है लट, और देखो लट से भी ये डर नहीं रहे हैं महाराज, मतलब मेरा सामना करने के लिए तैयार हैं, और मैं भी इनसे पीछे नहीं हटने वाला, दो दो हाथ करने के लिए तैयार हूँ। और एक ने मारी है इधर से एंट्री, और ये मुझे घेरने की फिराक में है, लेकिन मैं इनके हमले को नाकाम करने के लिए एक छोटा सा लट लिए हुए हूँ अभी, और देखता हूँ कि इनके हमले को मैं कितना नाकाम कर पाता हूँ, या फिर ये मुझे हरा देंगे। अब हरा कैसे दोगे, कैसे हरा दोगे, डंडा नहीं है क्या है, देखियो मोटा है डंडा, लेकिन ज़्यादा हिम्मत से नहीं हो रही मेरी भी सच बताऊँ तो, क्योंकि इनका मूड मुझे कुछ अलग से ही लग रहा, सर्दी में ठिठुर भी रहे हैं और हिम्मत भी पूरी लिए फिर रहे हैं अभी फ़िलहाल। एक वो बैठ गया आके देखो, और ये है मेरे हाथ में अभी फ़िलहाल लट, और इस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका हौसला कितनी बुलंदियों पे है। और ये देखो यहाँ से भी नहीं डरते, अगर नहीं डरते तो ना डरो भाई, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, और लेकिन मेरे एरिया में ना जाइयो बस। हाथों को मल मल के काम चलाना पड़ रहा है, क्योंकि टेम्परेचर 5 डिग्री जा रहा है अभी, रात में पता नहीं कितना जाएगा, इसलिए सभी जन जो हैं आसपास के इंतजाम करके सोएं अपने, और अलाव बिल्कुल ना जलाएं बंद कमरों में, क्योंकि वो खतरनाक हो सकता है, बाहर जला लें वो कोई दिक्कत नहीं है। तो खैर अभी चलते हैं हम नीचे बंदरों की टोली से मुकाबला करते हुए, और मैं पिछाड़ी हटते हुए अपनी अब जा रहा हूँ, और पीछे की तरफ हटते हटते ये गेट बंद करूँगा, क्योंकि भाई डर तो मुझे भी लगा है, ऐसी बात नहीं है। गुस्सा मत कर ठीक है, देख चल तुझे ही खिलाऊंगी मैं, ये देख तेरी मौसी क्या लेकर आई थी, जो मेरी फ्रेंड है वो कुछ लेकर आई थी, और इसका चेहरा देखो कैसे बन गया, कोई से बच्चे ने से कुछ कह दिया होगा। चिंकी तूने कहा, नु कह रही थी मोटी मोटी से। ए चिंकी माइंड योर लैंग्वेज, ओके ओके। मम्मी देखे कैसे बनाया मैंने, अच्छा बना रखा, लेकिन थोड़ा हर डिसिप्लिन में रो, ले ओपनिंग कर माई, जल्दी आ माई करेगी, अड़ जा। मैंने खा भी लिया ये गाजर की बर्फी। हाँ। तूने भी दे दी, अच्छा चलो बढ़िया, चला जाओ फिर मकल आई ना भी चखा दो। गाजर की बर्फी है ये देखिए जी, ये मेरी फ्रेंड लेकर आई थी अनु, अरे अनु इतनी इसकी क्या जरूरत थी, ये देखो ये बालूशाही होगी, ये और उसकी फेवरेट, लो मैं नहीं खा रही माँ, और ये बच्चे अपनी मौसी की लाई हुई मिठाई खाएंगे अभी। ओ माय गॉड, कोस्टम को भी आराम से गिर जाएगी ऐसे, तो एक हाथ में मिठाई ले ली एक हाथ से ही खोल रही आरुषि, इसमें तो कुछ हो रहा है, अरे आराम से
अब बालू साई, ओ माय गॉड, एक नहीं फिर से मन में फूटा लड्डू, एक नहीं दो दो खाई, कटोरी ले गया, कटोरी दे, देखो कितना एक्साइटमेंट है इसके अंदर, कटोरी लिया, कटोरी गुड्डू के लिए है चैलेंज, कितनी देर में से सोल्व करेगी, एक तरफ एक कलर करने बस, सबसे हल्का ब्लू करना है, ब्लू कितने मिनट में कर देगी देखते हैं, 50 मिनट में, 50 में और तुमने कराया आज तक इसने एक बार नहीं, और फिर भी इन्होंने मुझे चैलेंज करा, देखो लगाया तुमने अब से पहले ये, हाँ अभी अभी लगाया ना, अच्छा जोन सभी ये बोल रहे हैं कि वही कलर लगा दूंगी, अच्छा जी, टू रेड टू, अरुषि ये पजल सोल्व कर देगी, हो नहीं रही भाई, आजा कर दे, नंदिनी आओ इधर आ जाओ, चैलेंज है सबके लिए, और जो ऐसा सोल करेगा उसे मिठाई के 2 पीस मेरी तरफ से, देखो एक रह गया बस, एक ही कहीं तो कमाल है, पापा जी मैं करके दिखाऊं, तुझे तो एक ही मिलेगा, आपकी तरफ से नहीं है, इनकी मौसी की तरफ से है, अच्छा आए हुए रखे इसलिए कह रहा था मैं, तो कर दिया तेरा, अब बताओ कौन सा कलर करूं, वही कर दूंगी, बस समझ गए हम, समझ गए, अरे तन्ना भी करा भाई, मतलब एक राज बनिया, चलो भाई कर लो सोल, मेरे पास तो एक तरफ का भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं मिलते मेरे पास तो, पता नहीं किस तरह करे बच्चे, सीख ले मैं सिखा दूंगा, मैं चारों के चारों कर दूं, 6 के 6 सरफेस, मैं करूंगा आज सबसे छुप कैसे, ठीक है फिर तो लगा के जब भी दिखाऊंगा, उधर कौन है भाई, माई वो कहाँ कैप तेरी, कैप लगाओ, ठंडी बहुत है, टेम्परेचर बहुत नीचे गिर रहा, पाला पड़ रहा पाला, ओ भाई, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब क्या कर रहे हैं आप यहाँ, क्या कह रही नंदनी, मेरा अगर किसी और का दिलवा दूं तो चलेगा, है चलेगा वो भी, ठीक है तो मैं कोशिश करता हूँ बेटे, तुझे भी फोन दिलवाने की, उलाना तो मेरे सिर पर आवेगा लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा, और आपके जुराब कहाँ है, निकाल कर रख रखी, सर्दी का मौसम है अभी तो काम आवेंगी वे, पहन लो, मैं लाओ मैं पहना देता हूँ, कहाँ है उसकी तो वो तो पहन रहा है, तो आप भी पहन, तो दो उसकी फट रही जुराब और दूसरी पहना दो, आप तो पहन लो पहले उसकी बदल देंगे, तो जी अभी मैं भी पहुंच गई हूँ अपने वर्क स्टेशन पे, तो खाना पीना सबका हो चुका है और बर्तनों की साफ सफाई भी हो गई, सब लोग चले गए अपने बिस्तरे में और उसी के बाद में मेरा यहाँ पर आना होता है, तो चलो जी साहब तो लगे हुए हैं, हम भी लग जाते हैं और इन्हें बताते हैं और इनसे पूछते हैं क्या क्या करना है आज, क्योंकि दोनों के आपस में डिस्कस करने से काम हो पाता है, तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस व्लॉग का कर देते हैं यहीं पर एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ, व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।